हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? चलो आज हम कुछ नवरात्रे के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं और ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाने वाला है। और फ्रेंड्स, ये है हमारा मूंग दाल हलवा। चलो फिर देर किस बात की, झटपट बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने जो है मूंग दाल, जो हमने एक कप मूंग दाल जो हमने लिया था और उसको हमने कम से कम 4 से 5 घंटे भिगाया, और भिगाने के बाद वो इस तरह से लगेंगे। इसको आप इस तरह से अच्छे से ड्रेन कर लीजिए और फिर इसको हम मिक्सी में एकदम दरदरा पीस लेंगे। पैन में हम एक कटोरी घी डाल देंगे और इस घी में हम डाल देंगे 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन, और इसको हम करेंगे इस तरह से घी में फ्राई। तो फ्रेंड्स, इसको आपको चलाते रहना है। इससे फ्रेंड्स टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ये है कि इसको आपने थोड़ा से अच्छे से इसका कच्चापन निकालना है और घी में इसको अच्छे से आपने रोस्ट करना है। और मीन वाइल हम यहाँ 1 कप पानी में 1 कप चीनी डाल के साइड में रख दिया है, और यहाँ पर हम अपने साथ साथ मैं यहाँ पे सूजी और बेसन को भी भून रही हूँ, और इस तरह से आप इसको धीमी आंच में ही भूनते रहिए। साथ साथ चलाते रहना चाहिए ताकि ये चिपके ना और इवनली ये कुक होए। कि हमारा बेसन और सूजी का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, अब यही टाइम है कि जब आप अपना पिसा हुआ मूंग दाल इसमें, तो यही टाइम है कि जब आप इसको बहुत अच्छे से आपको चला के इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये इवनली कुक हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी चाशनी बनकर एकदम तैयार हो गई है, और ये टाइम है कि हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे इस हलवे का रंग चेंज हो रहा है और ये थोड़ा घी भी साइड से छोड़ने लगा है। तो ये टाइम है कि आपको इसको बिल्कुल भी रुकना नहीं है और आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसी टाइम पे आपका हलवा चिपक सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छा सुनहरा एकदम ब्राउनिश हो गया है। तैयार की हुई चाशनी है, उसको हम डाल देंगे और इसको आपने एकदम अच्छे से चलाते रहना है। इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है। आलमंड्स, पिस्ता और कोकोनट को ग्रेट करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चाशनी के साथ मेरा हलवा बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है और ये अब धीरे धीरे साइड छोड़ने लगा है, और जैसे ही ये पूरा साइड छोड़ देगा हमारा हलवा बनके एकदम तैयार हो जाएगा। फेस्टिवल आ रहा है और इसमें हमें कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, हमें कुछ अच्छा सा भगवान को प्रसाद बना के चढ़ाने के लिए मन करता है, तो उसमें ये मूंग दाल हलवा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। तो आप इसको बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, जैसे परिवार के साथ मनाइए और मूंग दाल हलवे का आनंद लीजिए।